अभी मैं जिस दिन इको पार्क गई थी उस दिन शिकायत कर रही थी ना कि मम्मी मेरे को ताजमहल कभी नहीं लेके जाने वाली, बट उन्होंने एक चीज को ज्यादा सीरियसली ले लिया और बोला चल बेटा तेको मैं काली पूजा के बाद ताजमहल दिखा के लाती हूँ। सो मैं आ गई हूँ ताजमहल। ताजमहल का फर्स्ट एंट्रेंस गेट, इसका नाम है दी रॉयल गेट, एंड इस पे जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना, ये मून लाइट में बहुत अच्छे रोशनी करते हैं। इन्होंने ऐसे बताया कि ये जो फ्लावर्स है वो रूबीज से बनाए गए, मतलब जो स्टोन हम पहनते हैं उनसे मुख्य बार भी बोला जाता है। स्टोन फतेहपुर सीकरी से आया है, राजस्थान बकराना से व्हाइट मार्बल लाया गया है। तो जो फ्रंट में जो फ्लावर्स एंड जो डेकोरेशन की गई है ये सब बाहर से आया हुआ है। अफगान, भूटान, बेल्जियम, श्रीलंका, टर्की, कई सारे डिफरेंट जगहों से इसके स्टोन्स लाए गए हैं। पूरे का कलश था, पहले गोल्ड का था, ब्रिटिशर्स आके गोल्ड कलश लेके चले गए, पीतल का लगा गए। तो जो फोर पिलर्स है इसमें थ्री दिख रहे हैं, जो फोर दिख रहा है वो कॉर्नर पे, ये खूबसूरती के लिए लगाया गया है, डेकोरेशन के लिए लगाया गया। तीसरी चीज़, जो उस टाइम के सिपाही होते थे वो लोग इसके टॉप पे चढ़ के वहाँ से निगरानी करते थे। जिस बेस पे खड़ा है ताजमहल, इसके नीचे कोई भीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके नीचे 84 कुआं खोदा गया था जिसमें पानी आता है यमुना रिवर से, और उन उसके अंदर कॉपर का प्लेट है, एंड जो लकड़ी से पिलर बनाए गए हैं जिसके ऊपर पूरा ताजमहल बेस्ड है, ये लकड़ियाँ श्रीलंका से लाई गई थी जो कि स्पेशली होती है, जिसमें जितना पानी रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इस कारण से कुएं के अंदर लकड़ी रख के देन कॉपर प्लेट रख के उसके ऊपर ताजमहल खड़ा है। ये जो पीछे है यहाँ पे नमाज घर है, नमाज पढ़ी जाती है, और इसके ठीक सामने उस तरफ पे रखा बना हुआ है गेस्ट हाउस। और इन दोनों को सामने सामने बनाने का मेन रीज़न ये दिया कि ताजमहल जिन लकड़ियों पे सेट है ना, लकड़ियों का जो स्टैम्प पे सेट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आर्किटेक्चर ने उस टाइम पे दोनों मीनारें बनाई थी। वो गेस्ट हाउस अभी के लिए नहीं है, वो गेस्ट हाउस तब था शाहजहां के टाइम पे कि जब कोई आएगा उनका कोई मेहमान तो उनके रहने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी, बट अदरवाइज नहीं। चलो फाइनली मेरा हो चुका है ताजमहल भी देखना, काफ़ी सुंदर जगह है, एक सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से तो एक बार। ताजमहल देख के मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली पता है टूर पे निकलने के बाद में कई सारी जगह ऐसी है जो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जा पाऊँगी। प्लान्स बने बट प्लान कैंसिल हो गए, इन सब चीज़ों में मैं रह गई, बट इस बार मैं आ गई तो कई सारी जगह और बची है जाने के लिए। देखा जाए तो अभी टूर स्टार्ट ही हुआ है। मेरा ताजमहल, मेरा नहीं, शाहजहां का ताजमहल जो मुमताज़ के लिए बनवाया था।